यहाँ पे फ्राई करा हुआ सोयाबीन है, पनीर है, आलू है, गोभी है, मटर है, बीन्स है, गाजर है, काफी सारी चीजें हैं। ये देख लो यहाँ पे फ्राई करा हुआ, ये फ्राई करा हुआ प्याज है, ये सारी चीजें हमारे यूज में आएंगी वेज बिरयानी में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। होने वाली है वेज बिरयानी की, जो आप काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि वेज बिरयानी की आपको रेसिपी चाहिए, वो भी स्ट्रीट स्टाइल में जैसे बाहर मिलती है। तो आज वो लेकर आए हैं आपके लिए कि स्ट्रीट स्टाइल में किस तरीके से बिरयानी बनाई जाती है, क्या क्या चीजें उसमें पड़ती हैं, क्या क्या मसाले डाले जाते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरीके से ये वेज बिरयानी बनाई जाती है। तो वेज बिरयानी बनाने के लिए सब्जियां देख लो, यहाँ पे बीन्स लिए, आलू लिए, गोभी है और गाजर भी है। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें डलेंगी लेकिन इनको फ्राई करना है, तो इसको फ्राई कर रहे हैं। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, मीडियम टू लो आंच में आपने इसको फ्राई करना है 10 मिनट तक, उसके बाद देखेंगे इसको। ये देख लो यहाँ पे हमारे ये गाजर और बीन्स हो चुके हैं, इसको निकाल रहे हैं। ऐसा कलर आपको रखना है। ठीक है, इसको लगभग 1 मिनट तक हमने करा होगा फ्राई, और यहाँ पे आलू को लगेगा लगभग 10 मिनट, ये आपके तुरंत ही हो जाएंगे 1 मिनट में। ठीक है, ऐसे, और आलू को लगेगा 10 मिनट, तो इसको होने देते हैं, जब हो जाएगा तब देखेंगे। यहाँ पे प्याज फ्राई कर रहे हैं लो आंच में, ये देख लो किस तरीके से काटे हैं बारीक बारीक बिल्कुल, और ये काफी सारी सब्जियों में यूज होने वाले हैं, जो हम सब्जियां बना रहे हैं ना उन सब में ये यूज होंगे। तो लगभग 10 से 15 मिनट इसको लगेगा फ्राई होने में, इसको होने देते हैं फ्राई, जब ये हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना इसको पकाना है। ठीक है, लगभग 10-15 मिनट इसको लगेंगे फ्राई होने में। तो ये देख लो यहाँ पे अनियन ब्राउन हो चुके हैं, इतना ब्राउन आपने रखना है। ठीक है, तो सोयाबीन जो मैंने आपको दिखाई थी ना, उसको आपको पानी में भिगाना है, उसके बाद निचोड़ के इस तरीके से फ्राई कर देना है लगभग 1 मिनट के लिए, हल्का सा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, आंच मीडियम रखनी है। ये देख लो यहाँ पे इस तरीके से, ये देख लो सोयाबीन हमारी यहाँ पे फ्राई हो चुकी है अच्छे से, इस कलर की आपको ये रखनी है। वेज बिरयानी में हमें ये सारी चीज़ें यूज में आने वाली हैं। देख लो यहाँ पे क्या है, सोयाबीन की बड़ी है, फ्राई करी हुई, पनीर है, गोभी है, मटर है, आलू है, गाजर है, बीन्स है, और यहाँ पे ये ब्राउन प्याज है। चाहे आप इसमें फ्राई गोभी भी डाल सकते हो, बंद गोभी भी डाल सकते हो, और भी काफ़ी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। ये देख लो यहाँ पे ये रही, ठीक है, इसमें चुकंदर वगैरह भी डलेगा, काफ़ी चीज़ें इसमें डलेंगी आप आगे, लेकिन जो मेन है ये चीज़ें हैं वो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे वेज बिरयानी में जाने वाली हैं। तो भाई ये देख लो यहाँ पे बिरयानी बनना शुरू हो रही है, खड़ा मसाला डाल दिया अंकल ने यहाँ पे। ठीक है, लौंग, इलायची, जीरा, तेजपत्ता, दालचीनी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, और ये सारी चीज़ें हमारी यूज़ आने वाली हैं। ये मटर वगैरह के नीचे भी काफ़ी सब्जियाँ जो दबी हुई हैं, इनको अच्छे से फ्राई कर लिया हमने, और ये रहेगी हमारी जो स्ट्रीट स्टाइल होती है ना, जो बाहर मिलती है, वो वाली वेज बिरयानी हमारी ये होने वाली है। ठीक है, तो खड़े मसाले को भुनने देते हैं, उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें डालेंगे वो आगे देखते रहेंगे। ये देख लो यहाँ पे तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे वो अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसमें डाल दिया है पानी। पानी कितना डालेंगे कल इसमें? 1.5 किलो इसमें पानी डालेंगे, 1 किलो हमारा चावल है, ये बाकी हमारी सब्जियाँ हैं, और भी सब्जियाँ जो डलेंगी वो मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा, मसाले क्या क्या डल रहे हैं वो सारी चीज़ें हम आगे देखते रहेंगे। अब अंकल इसको उबलने देंगे पानी को? ठीक है, तो पहले पानी को उबलने देते हैं, उसके बाद जो जो चीज़ें डालेंगे वो देखेंगे आगे। पहले अंकल इसमें नमक डाल रहे हैं अंकल अभी? हाँ, नमक डालेंगे। नमक डाल रहे हैं अंकल इसमें? नमक बढ़ेगा ना, नमक बिरयानी बढ़ेगा ना। हाँ जी, वेज बिरयानी है तो। वेज बिरयानी है स्ट्रीट स्टाइल में, नमक डाल दिया, अब इसको उबलने देते हैं पहले। ये देख लो यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था, अंकल ने इसमें डाल दिए सोयाबीन की बड़ी। ठीक है, जो हमने ऑलरेडी फ्राई करी हुई थी पहले वो डाल दिए। और ये चावल देख किलो, देख लो 1 किलो चावल था ये, अब ये चावल डाल रहे हैं। ठीक है, पहले भिगा रखा था इसको आधे घंटे तक, उसके बाद इसको डाल रहे हैं। घर में आप बिरयानी बना रहे हो तो बासमती राइस यूज करना, उसको पहले भिगा देना आधे घंटे तक, उसके बाद ऐसे। हम गोल्डन सेला बना रहे हैं। यहाँ पे अंकल कह रहे हैं हमने गोल्डन सेला चावल यूज करा है, डबल चाबी गोल्डन सेला। ठीक है, आप घर में देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आप यूज कर लेना।
तो अभी इसमें और कुछ डालेंगे अंकल? अभी कुछ नहीं डालेंगे, उबलने बाद ही सब कुछ रखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको उबलने देंगे, उसके बाद इसमें ये सारी चीजें मिलाएंगे, मसाले मिलाएंगे, तब देखेंगे। तो ये देख लो, यहाँ पे पानी अच्छे से सूख चुका है, और जो मैंने आपको सब्जियां दिखाई थी, ये सारी सब्जियां डालना शुरू कर दिया, इसमें डाल दिए सारी सब्जियां। और कितनी देर पकाएंगे अंकल इसको? अभी एक पक गया, सो दम दे रहा हूँ। अच्छा, अंकल कह रहे हैं ये पक चुका है, अब इसको दम दे रहे हैं हम। ठीक है, जो हल्की सी आंच में पकाते नहीं है उसे कहते हैं दम देना। ये देख लो, इस तरीके से अंकल मिक्स कर रहे हैं। ये देख लो, इसमें हल्का सा कलर डाला है, येलो कलर, और बाकी लाल कलर जो आपको दिख रहा होगा वो चुकंदर है। ठीक है, ये देख लो, दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है यार। एक ये देख लो, इस तरीके से इसको दम दिया जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कम आंच कर दिया और ऐसे ढक दिया। ठीक है, 4 से 5 मिनट तक आपको ऐसे पकाना है उसके। तो भाई ये देख लो, यहाँ पे हमारी वेज बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है, दिखने में काफी बढ़िया लग रही है, कलर वगैरह चावल भी बहुत ही एकदम खिले खिले, एकदम अलग अलग लग रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो वेज बिरयानी की, स्ट्रीट स्टाइल में। आई होप आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।